हरे कृष्ण। तो कल हमने तीसरा अध्याय किया भगवद गीता का। क्या नाम है तीसरे अध्याय का? कौन बताएगा? भगवद गीता के तीसरे अध्याय का नाम क्या है? सुष्मिता राजपुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कर्म योग प्रभु। ओके, तो हमने कल कर्म योग पे पढ़ा। तो कर्म योग में हमने कल यज्ञ चक्र देखा। तो यज्ञ चक्र में हमने दो श्लोकों में जो देखा उसमें क्या-क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, कौन बताएंगे? एक-एक करके बताइए। पहला स्टेप क्या था? प्लीज श्रीनिवास प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नमस्कार गुरु जी। वेद गुरु जी। वेद ठीक है। वेद एक्चुअली बाद में आता है ना? तो ठीक है, वेदों से क्या मिलेगा? चलो आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए। वेदों से क्या मिलेगा हमको? कर्तव्य गुरु जी। ओके, वेदों में पता पड़ेगा कि हमारे नियत कर्म क्या है, क्या हमें हाँ करना है। ओके गुड। उसके बाद दीपिका अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट करके। उसके बाद प्रभु जी यज्ञ। ओके, जो कर्तव्य करेंगे वही हमारा यज्ञ बनेगा। अगर हम शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार चलेंगे तो वही हमारा यज्ञ बनता है, मतलब हमारा कार्य ही यज्ञ हो जाता है ना? और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? बहुत सारे यज्ञ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है कलयुग में? कुलदीप शर्मा प्रभु जी, हरि भक्ति। जिन्होंने एक बार आंसर दे दिया है वो हाथ अपना नीचे कर लें तो दूसरे भक्तों को भी मौका मिलेगा। तो कलयुग में कौन सा है यज्ञ? हरि भक्ति प्रभु जी। नहीं, हरि भक्ति तो है लेकिन उसमें हमने स्पेसिफिक कुछ बताया था। प्राची शर्मा माता जी, नाम संकीर्तन। यस, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कीर्तन करना। यज्ञ करने से क्या मिलता है हमें, क्या लाभ होता है? नितिन चौहान प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ करने से हमें वर्षा मिलती है। ओके, यज्ञ से वर्षा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वर्षा से क्या मिलेगा? स्नेहा लता माता जी, नेहा राजभर माता जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। वर्षा से हमें अन्न मिलेगा। ओके, वर्षा से हाँ, वर्षा से अन्न मिलेगा, अन्न प्राप्त होगा। अन्न प्राप्त होगा, गुड। अन्न से फिर हम क्या करेंगे? केशव प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हर्षित प्रभु, यस केशव प्रभु बोलिए प्रभु। हर्षित प्रभु जी बोलिए। इतना टाइम लगाएंगे तो इतने में तो वर्षा आ जाएगी, वर्षा का मौसम आ जाएगा हमारा। एस गोपिका माता जी, क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए। हम सोच रहे इंटरेक्टिंग करने के लिए, इंटरेक्टिव करने के लिए, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। लेकिन आप आंसर देने में इतना टाइम लगा रहे हैं, अनम्यूट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे? बोलिए माता जी, अन्न से क्या करेंगे हम? अन्न हमारे पास होगा तो हम अन्न से भगवान को भोग लगाएंगे। अन्न से भगवान को भोग लगाएंगे, गुड।
यस, ये हो गया यज्ञ चक्र, ठीक है। और अर्जुन पूछता है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो न चाहते हुए भी हम पाप करते हैं तो भगवान उसका दो कारण देते हैं, कौन बताएगा? गोरखनाथ अहिरपुर जी। रजोगुण और काम। क्या? काम और रजोगुण नहीं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। काम और काम, काम और क्या आंसर होना चाहिए? काम आयश क्रोध आयश रजोगुण समुद भवान, काम और क्रोध। क्रोध तो ये हो गया हमारा ना, कारण भगवान ने बताए थे। गुड, आप लोग को याद है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 का नाम है ज्ञान योग। ये हमने कल देखा था, त्याग या कर्म, त्याग करूं या कर्म करूं। और फिर भगवान बताते हैं निष्काम कर्म करो क्योंकि वो त्याग से बड़ा है। फिर कर्म योग से कर्म कांड, एक्चुअली वो कर्म कांड से कर्म योग होना चाहिए। और फिर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, अगर हम शुद्ध हो भी गए हैं, महान भी बन गए हैं, तो भी दूसरों के लिए हमको उदाहरण प्रस्तुत करना है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो है काम, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, ये कल का आखिरी श्लोक, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को। तो आध्यात्मिक बुद्धि मतलब क्या है? हमारी अभी अभी बुद्धि कैसी है? भौतिक है और प्रदूषित है, शुद्ध नहीं, तो हम उसको शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध होगा? ज्ञान के मार्ग, दिव्य ज्ञान जब मिलेगा तब हमारा बुद्धि शुद्ध होगा, बुद्धि स्थिर होगा। तो कैसे प्राप्त करें दिव्य ज्ञान को, वो भगवान हमें यहां बताते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरिश्वा कवे अब्रवेत। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इश्वाक को उपदेश दिया। तो भगवान ने यह ज्ञान किसको दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को, एवं विवस्वते योगम। और उन्होंने कहां दिया? विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु महाराज को दिया, जिनसे हम सब बने हैं। मनुष्य, मनुष्य मतलब मनु महाराज से आए। और मनु महाराज ने किसको दिया? मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत, इश्वाकु महाराज को दिया, जिस कुल में, जो रघुकुल है, जिस कुल में भगवान राम आए। अब भगवान कहते हैं ये ज्ञान परंपरा में जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुषः काले ने महत योग नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई और अतः यह विज्ञान यथा रूप नहीं रहा। तो इसीलिए भगवान फिर आते हैं उसको देने के लिए। तो इसीलिए परंपरा का इतना महत्व है। भगवान स्वयं कह रहे हैं परंपरा, हमने आपको कल और परसों भी परंपरा के बारे में बताया कि क्या है यह परंपरा।
क्योंकि अगर आप किसी से ज्ञान ले रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए कि आपके गुरु कौन है। आप किसी गुरु के पास जाते हैं, आप उससे ज्ञान लेते हैं, सबसे पहले इंक्वायरी करो, भाई आपके गुरु कौन है? वो बोलते हैं हमारे कोई गुरु नहीं है, तो फिर ऐसे गुरु को हम गुरु नहीं बना सकते। अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो पूछते हैं कि स्कूल प्रामाणिक है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड नहीं है वो स्कूल, गवर्नमेंट ने उसको ठप्पा नहीं लगाया, स्कूल को सर्टिफाइड नहीं किया, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना? आप अपनी बेटी का विवाह कराते हैं जिस घर में, तो जाके लड़का देखने थे पहले भी पूरा उसका खानदान चेक करते हैं। अगर आपको पता पड़ता है कि लड़के का बाप जेल में है, लड़के की माँ वो भी जेल में है, दोनों जेल में है, लड़का अभी 2 दिन पहले जेल से छूट के आया है, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे खानदान में तो नहीं देंगे। अच्छा इनके दादा कहाँ पे? दादा तो तड़ी पार कर दिया गवर्नमेंट ने, और दादी फरार है, तो ऐसे खानदान में अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे? तो इसलिए परंपरा चेक की जाती है। तो आप जिस गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, ये परंपरा भगवान ने बनाई। भगवान ने 4 परंपरा बनाई, हमने कल बताया आपको, पद्म पुराण में 4 परंपराओं का वर्णन है। हम बता सकते हैं हमारे गुरु हैं, उनके गुरु प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं, उनके गुरु गौरकृष्ण बाबा जी, ऐसे हमारा पूरा परंपरा है कृष्ण तक। तो अगर हमारा परंपरा नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? हमको ज्ञान मिलेगा नहीं। कृष्ण हमको परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, और अगर हम परंपरा से नहीं लिया तो ज्ञान आएगा ही नहीं आपके पास। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे भगवान कहते हैं, अब अर्जुन मान लीजिए पूछ रहा है कि प्रभु आप मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो? अच्छा यहाँ पे बताते हैं ना, सकाले नष्ट महता योग नष्ट परंतप, क्योंकि कई बार परंपरा बीच में टूट जाती है तो भगवान आते हैं उसको पूरा करने के। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताने आए हैं वही ज्ञान। क्यों अर्जुन पूछता है मुझे क्यों बता रहे हो? योग प्रोक्त पुरातन, आप तुमको पुराना मैं ज्ञान दे रहा हूं, कुछ नया देने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में जो ज्ञान बनाया वो परफेक्ट है। आजकल तो क्या होता है, हम कम मोबाइल लेते हैं, उसको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हर महीने में नया अपडेट। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए बार बार अपडेट करना पड़ता है। भगवान ने जो दिया वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, वो परफेक्ट है, इसलिए उसमें बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का शत्रु होगा, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, बैर करता है, वो कभी नहीं समझ सकता। सिर्फ जो भगवान का भक्त है वही समझ सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए भक्तो असी मैं सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य को अर्जुन तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, है ना? तो ये हमको समझना चाहिए। ज्ञान हमें कैसे समझ में आएगा? जब हम भगवान के भक्त बनेंगे।
भगवत गीता सुन के, भगवत गीता पढ़ के, हरे कृष्ण मंत्र जप करके हम भक्त बनेंगे और इसी भक्ति से हमें गीता का असली ज्ञान समझ में आएगा। फिर आगे क्या बताते हैं, अर्जुन पूछता है यहाँ पे कुछ, क्या पूछेगा अर्जुन? ये चार परंपराएं हमने कल आपको बताई थी, ब्रह्मा जी से एक परंपरा आती है, भगवान कृष्ण ज्ञान दिए हैं चार लोगों को, ब्रह्मा को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को और चार कुमारों को। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की परंपरा में मध्वाचार्य, लक्ष्मी जी की परंपरा में मध्वाचार्य, मतलब जो हमारा परंपरा चल रहा है, लक्ष्मी जी का परंपरा में श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुजाचार्य, तिरुपति मंदिर आप देखते हैं वो परंपरा है, शिव जी का परंपरा विष्णु स्वामी और चार कुमार की परंपरा में निम्बार्काचार्य। ये परंपरा देखिए इस कौन का, प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, ऐसे करते करते नारद मुनि, ब्रह्मा जी और कृष्ण। जब तक ये परंपरा कृष्ण से नहीं जुड़ती तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। आप पानी का पाइप लगा दिया आपने, अब पौधों पे पानी डाल रहे हैं, पाइप ऐसे ऐसे कर रहे, पानी तो आ ही नहीं रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? कल तो आ रहा था, आज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी का जो दूसरा पाइप का जो दूसरा छोर है वो तो आपने नल से लगाया नहीं। अच्छा, फिर आप नल पे लगा के टाइट कर दिया, नल खोला, अब भी पानी नहीं आ रहा है। फिर टंकी में पानी नहीं है तो कैसे आएगा? ओहो, तो टंकी में पानी क्यों नहीं है? क्योंकि टंकी में पानी आता है जिस पाइप से, वो पाइप कनेक्टेड ही नहीं है। तो पूरा परंपरा कनेक्ट होना चाहिए, कहीं पे भी एक लिंक टूट गई, कड़ी टूट गई, तो फिर वो ज्ञान नहीं आएगा। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन विस्मित हो जाते हैं, अरे ये क्या बात है, परम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम् त्वम् आदो प्रोक्तवान् इति। प्रभु, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे ज्येष्ठ है, पहले हो चुके, उम्र में बड़े हैं आपसे, मैं कैसे समझूं कि आपने उनको ज्ञान दिया है? पूछने का तरीका देखियो, ये नहीं बोल रहा है कृष्ण को, अरे प्रभु क्या झूठ बोलते हो, सवेरे सवेरे झूठ बोलते हो, क्योंकि गीता तो सवेरे सवेरे सुनाई गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बचपन से आपको जानता हूँ, आप सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दे सकते हो? अर्जुन का ये भाव नहीं था। गुरु के पास किस भाव से जाना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया अर्जुन के द्वारा। अर्जुन का भाव क्या था कि मुझ में ही कोई कमी है प्रभु, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप जो कह रहे हो वो तो सत्य है, मुझ में कोई कमी होगी तो प्लीज मुझे समझाइए। और हम लोग कैसे प्रश्न पूछते हैं, हम लोग पूरे उल्टे पैदा हो गए, क्योंकि कोई कल्चर नहीं रह गया ना, ना स्कूल में सिखाया, ना घर में, ना कॉलेज में, ना कहीं पे, कल्चर ही नहीं रह गया। बड़े से बात करने का, गुरु से कैसे बात करने का, माँ बाप से बात करने का, वो कल्चर खत्म हो गया। तो यहाँ पे अर्जुन देखिए क्या कल्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर इसलिए भगवान बताते हैं, ये जो है ये समझिए बात, थोड़ा सा समझाएंगे आपको, ये आठवें अध्याय में फिर दिया हुआ है। तो नीचे देखिए, सबसे यहाँ कलयुग लिखा हुआ है, ये कलयुग जो होता है ये 432,000 साल का होता है, अभी सिर्फ 5,000 साल बीते हैं। ये जो कहते हैं ना मूर्ख लोग कि कलयुग अभी खत्म हो जाएगा, 2012 में दुनिया खत्म, 2016 में दुनिया खत्म, अभी 2020 में कोरोना आ गया, दुनिया खत्म, दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, 432,000 साल चलेगा, ये भगवान बताते हैं इसमें गीता में। और फिर द्वापर युग था इससे डबल, 864,000 साल, फिर त्रेता युग था कलयुग का 3 गुना, 12,96,000 साल, और फिर 4 गुना था सतयुग, 17,28,000 साल, ये चारों युग मिला के होता है 43,20,000 साल। और ये ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं, नहीं ब्रह्मा के 12 घंटे नहीं होते, सॉरी, ये तो एक दिव्य युग हुआ, इसको 1,000 से गुणा करोगे तो 432 करोड़ साल होता है, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, तो 864 करोड़ साल का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, हमारा 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे उनके 30 दिन का महीना होता है, 12 महीनों का साल होता है और 100 सालों का जीवन होता है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 311 trillion 40 billion ईयर्स, अब आप इसको कैलकुलेट करते रहिए। तो सूर्य देवता को कब सुनाई गई थी गीता?
12 करोड़ साल पहले, यानी 12 करोड़ साल पहले जो ज्ञान दिया वो इतना परफेक्ट था कि आज तक वही पढ़ रहे और आज भी अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। सोचिए, और 12 करोड़ साल पहले तो भगवान ने सूर्य को दिया, उसके पहले ब्रह्मा को दिया, तो फिर पिछले ब्रह्मा को दिया, फिर उसके पिछले ब्रह्मा को दिया, करोड़ और वो ब्रह्मा निकल गए। गीता चेंज नहीं हो रहा, गीता का नया वर्जन नहीं आता है बाजार में, एक ही गीता है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, जो वो बोल रहे हैं वो भी परफेक्ट है। ये हमारा इस्कॉन का पूरा परंपरा जो हमने आपको कल पढ़वाया था, ये पूरा परंपरा है। अब कृष्ण कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, कब प्रकट होते हैं और उनके प्राकट्य को हम क्यों जाने, ये अगले 4 श्लोकों में बताया गया। भगवान कहते हैं अजो अपि सन अव्यात्मा, मेरा तो जन्म ही नहीं होता, भगवान का तो जन्म होता ही नहीं। अजो अपि सन, अज मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, भूतानाम ईश्वर अपि सन, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं संभवामि, संभवामि आत्म मायया, मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माया से, माया मतलब भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं। भगवान जबरदस्ती नहीं प्रकट हुए, ऐसा नहीं कि देवकी का जबरदस्ती ढकेल ढकेल के डिलीवरी किया गया, नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या बोलते हैं सिजेरियन किया गया, नहीं, भगवान प्रकट हो गए सामने देवकी। भगवान अपने मर्जी से आते हैं, जब आना है, जहां आना है, और जिस रूप में आना है। कोई ऐसा बच्चा देखा है गहनों से सजा हुआ पैदा हुआ है? तो भगवान अपनी माया मतलब अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। ये बात समझना चाहिए, भगवान कोई साधारण मनुष्य जैसे, हम लोग को तो जबरदस्ती ढकेला जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमको तो माँ के गर्भ में जबरदस्ती डाला जाता है हमारे कर्म अनुसार। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा, हमको कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है हमारे पास। ये बेचारा कोरोना वायरस, इसको भी नहीं पता था जीवात्मा को कि मैं कोरोना के रूप में जन्म होऊंगा और सबके बदुआएं लूंगा, गाली खाऊंगा, और जीवात्मा को कोरोना का जन्म लेना पड़ता है। कुछ तो पाप किया होगा, इसीलिए तो सब जगह सैनिटाइज हो रहा है, मर रहे हैं कोरोना इतने सारे वायरस। हमारे तो मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन उनका भी तो सोचिए, करोड़ों कोरोना वायरस भी मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पर युद्ध चल रहा है, क्या करेंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, जहां जब जैसे उनकी इच्छा। क्यों प्रकट होते हैं भगवान, यहां बताते हैं कब प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् हम, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। देखो देवकी को कंस मार रहा था, कंस एक असुर था, राक्षस था, अपनी बहन को शादी के दिन मार रहा है। तो जब ऐसे असुर बहुत बढ़ जाते हैं संसार में तो भगवान प्रकट होते हैं। छोटे छोटे असुर जो होते हैं उनको मारने के लिए भगवान थोड़ी प्रकट होते, उनको मारने के लिए तो ऐसी प्रकृति हो जाती है। एक्चुअली प्रकृति सबको मार सकती है, भगवान की प्रकृति इतनी पावरफुल है, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं लीला करने के। वो अगले क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में प्रकट होता हूं, क्यों, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान आगे 9वें श्लोक में 9वें अध्याय में कहेंगे, कौन्ते प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जाओ और घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो आप में से जो लोग भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विनाश नहीं होगा, भगवान रक्षा करेंगे हमारे, भगवान ने वचन दिया है। और एक बार नहीं, बार बार वचन दिया है भगवान ने भगवत गीता में, विनाश आय से दुष्कृताम। और ये जो
असुर होते हैं, अभक्त होते हैं, इनको मारने के लिए, इनको विनाश करने के लिए प्रकट होता है। धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना, धर्म को स्थापित करता हूं मैं प्रकट होकर। हमारे लिए कृष्ण को जानने का हमारा क्या लाभ है? कृष्ण के जन्म और कर्म को जानना हमारा, हम क्यों पढ़ रहे हैं बैठ के यहाँ पे, हमको क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, जो समझ जाएगा कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म मेरा कर्म साधारण नहीं है, वो दिव्य है, और ये तत्व से जो समझेगा वो ये शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद वापस यहां पे नहीं आएगा, वो मेरे लोक में आ जाएगा, वो मेरे लोक में पहुंचेगा। तो इन 10 श्लोकों में, पहले 10 श्लोकों में भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में हमको बताया गया है। ये 10वां श्लोक हम जो है अब हर श्लोक नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए 10वां श्लोक भी, तराग भय क्रोध मन मना माम उपाशितः भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भी तराग भय क्रोध, राग भय क्रोध आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। और अर्जुन, बहुत सारे भक्त पहले मुक्त हो चुके हैं, इस पथ पे चल चुके हैं, इस मार्ग पे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोग जा चुके हैं, तुम चलते रहो, पहले गए हुए लोगों को भी सक्सेस मिल रहा है, तुमको भी सक्सेस मिलेगा। तो ये जो है भगवान, ये इन 10 श्लोकों में भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान बताया गया है। अगले 5 श्लोकों में जो बताएंगे कि कैसे हम, भगवान ने मार्ग बनाए हैं जिसमें वर्णाश्रम है, जो भी मार्ग आप पकड़ो भगवान ही उद्देश्य होने चाहिए, तो वर्णाश्रम आगे बताते हैं। भगवान बताते हैं कि कैसे मुझे प्राप्त किया जाएगा, यहाँ बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सचैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मेरे पास जिस भाव से आएगा अर्जुन, जो जिस भाव से आएगा उस भाव से उसे मैं स्वीकार करूंगा। अगर कोई भगवान को ठगने के लिए आएगा तो भगवान उसको ठग देंगे, अगर कोई भगवान के पास शरणागत लेने आएगा तो भगवान, यही है। आप भगवान को अपना स्वामी मान के सेवा करेंगे तो भी ठीक है, अपना मित्र मान के सेवा करेंगे तो भी ठीक है, अपना पुत्र मान के सेवा करेंगे तो भी ठीक है, अपना प्रेमी मान के सेवा करेंगे तो भी ठीक है, जिस भाव से आप आएंगे उस भाव से भगवान आपको स्वीकार करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन है हमारा कृष्ण से, जैसा भाव से जाएंगे उसी भाव से भगवान हमको स्वीकार करेंगे। फिर आगे बताते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म फल शीघ्र प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है कि हम निष्काम नहीं सकाम चाहते हैं। सकाम मतलब मैंने कुछ किया मुझे उसका फल चाहिए, मैंने कुछ सेवा की मुझे उसका फल चाहिए, इसको सकाम भक्ति कहते हैं। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति है। फिर भी भक्ति करेंगे, भगवान आगे 7वें अध्याय बताएंगे, भक्ति करेंगे तो क्या होगा आपको इसका, सकाम भाव से भी भक्ति करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के पास आ रहे हैं। एक पत्नी को अगर कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, घर के लिए बर्तन चाहिए, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? पति के पास जाना चाहिए ना पड़ोसी के पास जाना चाहिए? पति के पास जाना चाहिए। कुछ भी चाहिए पति के पास जाना चाहिए, दूसरे पराय पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। एक बच्चे को का फीस भरना हो, चाहे उसको चॉकलेट चाहिए, चाहे उसको घूमने जाना है, उसको अपने माता पिता के पास आना चाहिए और किसी के पास नहीं। इसलिए हमको भी कुछ भी चाहिए जीवन में, हमको भक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, या हम अभी उतने शुद्ध नहीं है,
और हमको भौतिक आसक्ति है वो भी चाहिए तो भी कृष्ण के पास आइए, तो कृष्ण हमारे पिता हैं। इधर उधर जाने से हम अनाथ थोड़ी हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम अनाथ नहीं हैं। तो ये बात हमको समझना चाहिए ना? उसके बाद आगे बताते हैं कि ये देखिए वर्ण आश्रम, चार वर्ण होते हैं है ना, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपीमाम विधि अकर्तारम अव्ययम्। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, चार वर्ण चार आश्रम मैंने बनाया अर्जुन, मेरा मया सृष्टम मेरी सृष्टि है। चार वर्ण क्या है? हा? कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, आज भी है, इसको नहीं हटा सकते। लेकिन ये कैसे है? गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म जन्म पे आधारित नहीं है। देखिए कहीं पे भी जन्म लिखा है क्या श्लोक? कहीं पे भी नहीं लिखा। डॉक्टर का पुत्र क्या डॉक्टर होगा? क्या नहीं। इंजीनियर का पुत्र पैदाइशी इंजीनियर होगा? नहीं। प्रधानमंत्री का बेटा पैदाइशी प्रधानमंत्री होगा? नहीं। राजा का बेटा भी राजा नहीं होगा। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा? गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर का जो बेटा है उसको बचपन से वो फैसिलिटी मिलती है, अच्छा कोचिंग में जाए, अच्छा स्कूल में जाए, अच्छा कॉलेज में जाए, डॉक्टर बनने का चांसेस है उसका। हाँ, कुछ अच्छा कर्म किया इसीलिए डॉक्टर परिवार में जन्म लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बनेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका कोई भी गारंटी नहीं दिया गया है। इसीलिए जो अश्वत्थामा था उसको ब्रह्म बंधु कहा गया, ब्राह्मण नहीं कहा गया, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र जरूर था लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं थे। तो ये सिस्टम अभी भी है, इसको कभी हटा नहीं सकते क्योंकि भगवान ने बनाया है। लेकिन भगवान बनाने के बाद भी भगवान इन चारों में नहीं है। कोई बोलता है भगवान क्षत्रिय है, नहीं भगवान क्षत्रिय नहीं है, वो तो लीला कर रहे हैं। भगवान भगवान है, वो ये चार वर्ण आश्रम में नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मर भिन्न सब कर्म भिन्नर सबद्यते कर्म भीर से न बद्यते। तो बताते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न मे कर्म फले स्पृहा और न मैं किसी कर्म की फल की इच्छा रखता हूं। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कभी कर्म के पाश में नहीं बंधता। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी भी कर्म में मैं किसी कर्म बंधन में नहीं हूं। भगवान जो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, स्वमायया। मैं किसी भी कर्म में नहीं बंधता हूं, ना मुझे कुछ इच्छा है यहाँ पे। ये थर्ड क्लास संसार है, भगवान को क्या इच्छा? भगवान वैकुंठ के नायक हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा? भगवान के आईफोन लेने के लिए आ रहे हैं ना? कुछ नहीं चाहिए भगवान को यहाँ से, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। क्यों? हमारा भला हो। और भगवान कहते हैं जो ये जानता है कि न मैं कोई फल की इच्छा करता हूं, न कभी कर्म बंधन में फंसता हूं, जो ये जानता है इति मामे वो भी जाना थी कर्म भिन्न है ना, कर्म भिन्न भिन्न बद्धते, वो खुद भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता, इससे बाहर निकल जाता है ना। यहाँ पे भगवान ये बताते हैं और फिर क्या कहते हैं? अब कोई बोलेगा, अर्जुन बोलेगा प्रूफ प्रूफ दिखाओ, ऐसा कोई हुआ हो। भगवान बोलते यस एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्व रपि मुमुक्षु भी कुरु कर्म तस्मात्त्वम पूर्व पूर्व तरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति की प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो अर्जुन, और वो करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये मत सोचो तुम अभी अकेले हो, करोड़ों करोड़ों भक्त मेरे इस मार्ग से जाते हुए उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, भक्ति प्राप्त की है, प्रेम प्राप्त किया है,
तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? अब आप देखिए, अगर आप दुर्योधन के मार्ग को चुनते हैं या युधिष्ठिर के मार्ग को, दो मार्ग है, युधिष्ठिर का मार्ग है, एक दुर्योधन का मार्ग है। युधिष्ठिर का मार्ग चुनेंगे तो अंत भी वही होगा जो युधिष्ठिर का हुआ, दुर्योधन का मार्ग चुनेंगे तो अंत भी वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। अब आप चुन लीजिए, आपको कौन सा मार्ग चुनना है, युधिष्ठिर का या दुर्योधन का, कौन सा मार्ग आपको चुनना है? तो भगवान यहां बता रहे हैं, भक्तों के मार्ग को चुनिए, इसमें क्या होगा, आपको भक्ति मिलेगा, आनंद मिलेगा। फिर आगे आगे के 9 श्लोकों में भगवान कर्म योग के बारे में फिर बताते हैं कि यहां से बताते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपत्र मोहितः। भगवान बोलते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे तुम जानकर अशुभ से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष से। यद् ज्ञात्वा मोक्षसा मोक्षसे अशुभात्। अशुभ से मुक्त होना है तो ये जानो। अब क्या है कर्म, अकर्म और विकर्म, ये समझा देते हैं तो फिर आगे हमको तकलीफ नहीं होगा। तीन चीजें होती हैं, कर्म याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म मतलब जो शास्त्रों में दिया है हमारे लिए कि ये करना है, उसको कर्म कहते हैं। कोई भी काम करने को कर्म नहीं कहते, आप जॉब पे चले गए मैं कर्म कर रहा हूं, उसको कर्म नहीं कहते। कर्म वो जो आपके लिए शास्त्रों में दिया हुआ है वो कर्म है, और जो बोला गया नहीं करना है उसको विकर्म कहते हैं, विकृत कर्म। पाप नहीं करना, किसी का मर्डर नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, ये विकर्म है। और अकर्म क्या है, अभी कर्म करेंगे तो आपको पुण्य मिलता है और उस पुण्य का फल मिलता है, उस फल को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, संसार में फिर दुख भी मिलेगा। और विकर्म करेंगे तो वो पाप है, उसका फल मिलेगा, पाप का फल, तो फिर भुगतने आना पड़ेगा, तो दोनों में फल बन रहा है। अकर्म क्या है, अकर्म स्पेशल कैटेगरी है जिसमें आप कर्म करते हो लेकिन फल नहीं मिलता आपको कुछ भी। जब कोई फल नहीं रहेगा, ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना दुख, ये संसार से छूट जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, वो क्या है ये अकर्म क्या है, ये भक्ति योग है। वो क्रियाएं जो भक्ति योग में है वही अकर्म है, जो फल नहीं बनाती। ट्रेन में आप जा रहे हैं, एक आदमी है जिसको सीट नहीं मिली, वेटिंग टिकट जनरल टिकट लेके नीचे बैठ जाते हैं, पूरा ट्रेन खचाखच भरा हुआ है, कोरोना काल के पहले की बात है, खचाखच भरा हुआ है, और कोई है जो स्लीपर क्लास में, उसी में नीचे भी कोई बैठा है, कोई टिकट लेके सीट पे बैठा है। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो फ्लाइट से जाता है, अपना पर्सनल प्लेन है, लेकिन किसी कारण उस दिन उसको ट्रेन में जाना पड़ा, ना तो उसको नीचे बैठने में आ सकती है, ना उसको सीट पे बैठने में आ सकती है, उसको तो जल्दी 2 घंटा करके निकलना है, ना उसको सीट से मतलब है, ना उसको किसी चीज से मतलब है, ना बाथरूम से, ना पानी से, ना सीट से, ना पंखा से, ना लाइट से, वो तो जल्दी 2 घंटा जर्नी पूरा हो, निकलू, मेरी पर्सनल कार आएगी, वहां से कार से मैं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर बैठूंगा, निकल जाऊंगा। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, ना उनको शुभ से मतलब है, ना अशुभ से मतलब है, ना अच्छे से, ना बुरे से, ना सुख से, ना दुख से, वो दोनों से परे हो जाते हैं और आनंद को प्राप्त कर जाते हैं। तो अकर्म कौन करता है, भगवान के भक्त करते हैं। ये देखिए सब भगवान के भक्तों का है, इसी को बताते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या, अकर्म क्या। ये आपको समझा दिया, कर्म विकर्म और अकर्म।
फिर बताते हैं जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास उद्यम तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हो लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं, मेरे लिए क्या चाहिए, सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान जो देंगे ठीक है, उसे ही साधु पुरुष पूर्ण ज्ञान कहते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्म तो करता है भक्त, इतना बड़ा मंदिर बनाया भक्तों ने, क्या काम नहीं किया, कर्म किया, लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी आसक्ति नहीं है, इसीलिए उनको मुक्ति प्राप्त होती है। यही सब बताते हैं। अब अगला सेक्शन जो है 24 तक हो गया। अब अलग अलग यज्ञ होते हैं, क्योंकि कर्म हो गया, हमने यज्ञ की बात की थी, तो कर्म हुआ तो फिर यज्ञ भी करेंगे, कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ से क्या होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। यज्ञ करना अति आवश्यक है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार के यज्ञ हैं, थोड़ा सैंपल दिखाते हैं, आप इसका टेंशन मत लीजिए। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ अग्नि में आहुति डालते हैं, है ना। कुछ जो होते हैं वो श्रवण आदि क्रियाओं में और इंद्रियों को मन तथा नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये अलग अलग कर्मों के बारे में है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये भी हम नहीं कर सक रहे अभी, तो इसलिए हमारे लिए क्या यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। जो सुमेध है, मेध मतलब बुद्धिमान, जो सुमेध है बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो क्या करेगा कलयुग में, यजन्ति ही सुमेधस, वो यज्ञ करेगा। कौन सा यज्ञ करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन का यज्ञ करेगा। वो जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है वो सबसे ऊंचा यज्ञ कर रहा है इस कलयुग में। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण अवतरित हुआ है। तो इसीलिए हम हमारा जो यज्ञ है वो हरे कृष्ण महामंत्र। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय श्रीमद् भागवत में कहा गया है। यज्ञ क्या है कलयुग का, संकीर्तन यज्ञ, बाकी यज्ञ हम करने पाएंगे। हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए और शुद्धि करनी चाहिए हृदय की और सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। अब ये सब करने के लिए भगवान बताते हैं। अब भगवान अगले 8 श्लोकों में, 9 श्लोकों में भगवान यहाँ पे बताते हैं दिव्य ज्ञान का, थोड़ा समराइज करते हैं। अब अर्जुन पूछता है, प्रभु आपने इतना सारा बताया, ये ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, वो भी तो बताइए। तो भगवान बताते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपाते न, ये विधि को जानने के लिए तुमको प्रणिपात होना पड़ेगा, तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी गुरु जो प्रामाणिक गुरु है, जो असली गुरु है, ढोंगी गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु जिस पे भगवान ने स्टैंप लगाया हो कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा प्रतिनिधि, वो होता है प्रामाणिक गुरु। उसके पास जाके क्या करना है, उसके पास जाके प्रणिपातेन शरणागत होना है, उसकी उसके चरणों में शरण लेनी है। फिर क्या करना है, सेवया और फिर परिप्रश्नेन, तीन चीज करनी है। पहले तो सबसे पहले असली गुरु ढूंढना है, प्रामाणिक गुरु ढूंढना है, फिर उनके पास जाके शरण लेनी है, गुरुदेव आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आछे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कृष्ण गुरु के बारे में, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण तो तुम्हारा है, कृष्ण दीते पारो और तुम्हारे में तो शक्ति है, गुरुदेव आपके में शक्ति है, आप कृष्ण को मुझे दे सकते हो, तुम्हारा शक्ति आछे। अमितो कंगाल,
मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कृष्ण नहीं, भक्ति नहीं। ढाई तब पीछे पाछे पाछे, मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूं, और यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन असली प्रामाणिक गुरु, ढोंगी गुरु के पीछे दौड़ोगे तो नरक में जाके गिरोगे। और ये जानने के बाद क्या होगा, ये जब हम गुरु के पास जाएंगे सब समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें पूर्ण ज्ञान मिलेगा। और फिर आगे भगवान बताते हैं श्रद्धा के बारे में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समते संयमितेन्द्रिय। जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु देव पुरुष में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो श्रद्धा से अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। फिर क्या होगा उस शांति से, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसे संशय दिव्य ज्ञान, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। देखिए हमारे विदेशी भक्त हैं, इतनी ठंडी है, इतना जैकेट मफलर पहने, लेकिन वो किताबें देखिए, प्रभुपाद जी की किताबें पुस्तकें वो बाहर रोड में जाके लोगों को दे रहे हैं। वो कर्म है ना, बुक बेचना भी कर्म है, वो किताब बेच रहे, लेकिन कर्म किसके लिए कर रही है, भगवान के लिए कर रही, गुरु के लिए कर रही। इसलिए वो माता जी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। कर्म करना गलत नहीं है, किसके लिए कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार कर्म कर रहे हो, तो कभी भी बंधन में नहीं फंसोगे। इसलिए भक्ति कर्म करना नहीं छोड़ाता है, कर्मों को जुड़ाता है कृष्ण से। भक्ति छोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। पाप को तो छोड़ना है, बाकी चीजें छोड़ने की आवश्यकता, आपका परिवार है, परिवार में रहिए, माता पिता पति पत्नी बच्चा सब साथ में रहिए, साथ में भक्ति कीजिए, साथ में कीर्तन कीजिए, साथ में कथा श्रवण कीजिए। ये परिवार साथ में रह के भक्ति कर सकता है, छोड़ने की जरूरत नहीं। कई लोगों को लगता है कि संसार में रह के भक्ति कैसे करें, अर्जुन तो संसार में ही था ना, भक्ति किया ना। तो ये नहीं कि आप संसार में रहें या संसार से बाहर रहें। बहुत सारे लोग हैं जो ढोंगी साधु हैं, तो लोग संसार छोड़ के चले जाते हैं, और हरिद्वार में जाके, ऋषिकेश में जाके, वाराणसी में जाके क्या करेंगे, नशा लेते रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, क्या फायदा। एक वो साधु थोड़ी है, निर्देश अनुसार करता है वो असली साधु है। आगे बताते हैं, अतः है तुम इस तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जो अज्ञानता तुम्हारे हृदय में उठी है, उसके कारण संशय उठ रहे हैं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उस अंधकार को काट डालो, उस संशय को काट डालो, और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि कर्म करना है ना, क्योंकि पहले क्या था, कर्म करूं कि नहीं करूं, त्याग करूं कि कर्म करूं। भगवान बोलते हैं त्याग और कर्म दोनों बराबर है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या है वो भगवान के लिए कर्म करना, वो अगले अध्याय में भगवान बताएंगे। कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए कर्म करना, ये पांचवें अध्याय में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म पढ़ेंगे, है ना। तो आज हमने क्या देखा,
आज हमने ज्ञान के बारे में देखा, हमारा ज्ञान, भगवान का ज्ञान, हमारा संबंध भगवान से क्या है, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, भगवान के प्राकट्य से हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या हमारा फायदा होता है वो जानने से वो हमको पता पड़ता है। फिर भगवान ने वर्णाश्रम के बारे में बताया, जैसे आप मेरी शरण में जितना आओगे उतना मैं आपको लाभ दूंगा, पूर्ण शरण में आओगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा, थोड़ा सा आओगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। और फिर भगवान ने यज्ञ की अलग अलग विधियां बताई, यज्ञ सबसे परफेक्ट कौन सा यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ। और ये यज्ञ की विधि कहाँ पे हम सीख सकते हैं, गुरु के पास जाके, गुरु के पास जाके क्या करना है, तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न से गया उपदेक्षंती दे ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन। गुरु के पास जाएंगे तो फिर हम क्या होगा, हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो फिर से मोह में नहीं फंसेंगे, और हम मोह में नहीं फंसेंगे तो आगे बढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, हा? और हमारे हृदय में जो संशय है उस दिव्य ज्ञान की तलवार से काटते जाएंगे और फिर शुद्ध हो जाएंगे, फिर कर्म करेंगे। कौन से कर्म, फर्क है। एक व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति को खाना खाने के लिए मना किया जाता है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन उसकी जीवा में अभी भी टेस्ट तो है ना, तो हम बोलते ठीक है एक बार ठीक हो जाओ फिर खाओ, तुम अभी नहीं खाओ, अभी खाने से खराब हो जाएगा हेल्थ तुम्हारा। तो जो व्यक्ति अंधकार में है, अज्ञानी है, वो कर्म करता है तो और फंस जाता है कर्म के बंधन में, इसलिए उसको अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और वही कर्म भगवान के लिए करना चाहिए, फिर कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, फिर वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कर्म बंधन में तुम नहीं फंसोगे, और डर रहा था ना मैं फंस जाऊंगा पाप लगेगा, नहीं, कर्म बंधन में तुम नहीं फंसोगे अर्जुन, तुम युद्ध करो मेरे लिए, युद्ध करो अपने लिए नहीं, पहले तुम अपने लिए युद्ध करने की बात कर रहे थे, अब तुम मेरे लिए युद्ध करो। और कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्या होता है वो हमें भगवान कल बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन है कि भक्ति करने के लिए हमें चार नियम का पालन करना पड़ता है, अगर हम गलती से अगर चार नियम से अगर कोई भी नियम टूट जाता है तो क्या भगवान हमें त्याग देते हैं या हमें माफ कर देते हैं? देखिए भगवान तो हमें माफ करेंगे, भगवान त्यागेंगे नहीं, हमें माफी मांग के आगे बढ़ना चाहिए, गुरु और भगवान से माफी मांग के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बार बार तोड़ते रहे। आपने सांप सीढ़ी खेला है ना बचपन में सांप सीढ़ी खेला होगा आपने, तो उसमें सीढ़ी पे जब आते हैं तो ऊपर और सांप पे आते हैं तो नीचे आ जाते हैं, तो ये नियम तोड़ना मतलब सांप के मुंह में आ गए, मतलब थोड़ा पीछे हो जाते हैं भक्ति, मार्ग से नहीं हटते, भगवान आपको त्यागते नहीं लेकिन आप भगवान से थोड़ा पीछे हो जाते हो, तो फिर आपको मेहनत करके जाना पड़ता है, फिर आगे जाते हो 10 कदम, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती, फिर 2 कदम पीछे आते हो, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसे गाड़ी, कोई नया नया व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो वो टकराता है, जैसे छोटा बच्चा है 8 महीने का, अभी वो चलना सीख रहा है तो हजारों बार तो गिरता है वो, हाँ दीवार पकड़ के चलता है, किसी को उंगली पकड़ के चलता है, फिर वो हाथ छोड़ के गिरता है, गिर जाता है, फिर आगे जाता है, फिर गिर जाता है, और आप देखेंगे वो खुद ही हंसता है, गिरता भी है हंसता भी है। बच्चे से कितना सीखने के लिए हमको मिलता है, छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का गिर जाता है बार बार, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा है, अरे सब चल रहे हैं दौड़ रहे हैं मैं क्यों नहीं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो ऐसे सब भक्त भक्ति में बढ़ रहे हैं, मैं भी चलूंगा, ठीक है मैं थोड़ा लड़खड़ा गया फिर मैं खड़े होकर आगे बढ़ूंगा, फिर गिरूंगा फिर बढ़ूंगा, फिर गिरूंगा फिर। तो गिरने से नहीं घबराता है व्यक्ति, गिरने से मत घबराइए, हाँ ऐसा नहीं कि जानबूझ के गिरना चाहिए, हमको दूर रहना चाहिए, लेकिन गिरने से हमको घबराना नहीं चाहिए, फिर से आगे बढ़ना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? yes. प्रभु जी भगवान अर्जुन से क्यों कहते हैं कि घोषणा कर दो अर्जुन कि हमारे भक्तों का नाश नहीं होता है, भगवान स्वयं क्यों नहीं कहते हैं? कहाँ कहते हैं ये कि हमारे, नहीं, हमारे मेरा प्रश्न सुनिए, ये कहाँ पे कहा भगवान ने ऐसा?
इसमें एक श्लोक में प्रभु जी इसको सुने थे, इसी में ये भगवान कहते हैं नवे अध्याय में। हाँ, नवे अध्याय का जो कोट प्रभु जी आप कह रहे थे बीच में, नवे अध्याय में पूछिएगा। अच्छा अच्छा, है ना, फिर भी आप पूछे हैं तो बता देते हैं कि भगवान अगर खुद अपना वचन देंगे तो, हालांकि भगवान तो सत्य संकल्प है, लेकिन भगवान को पता है अभी कुछ दिनों में मैं अपना वचन तोड़ने वाला हूँ। भीष्म देव ने वचन ले लिया कि आज या तो कृष्ण हथियार उठाएंगे, कृष्ण ने वचन दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म ने वचन ले लिया या तो कृष्ण हथियार उठाएंगे या तो अर्जुन मरेगा आज। ठीक है, अर्जुन के द्वारा वचन दिलवा दिए कि अर्जुन मेरे भक्त की रक्षा होगी, तो अर्जुन की रक्षा भी करनी है और अर्जुन के वचन की रक्षा भी करनी है, भीष्म के वचन की रक्षा भी करनी है। भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, हथियार उठा दिया और भीष्म तुरंत प्रसन्न हो गए। भीष्म देव बोलते हैं कृष्ण से, मैं जानता हूं आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हो, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तक तोड़ दिया। तो भगवान ये सिखा रहे हैं, भक्तवत्सलता का गुण भगवान सिखा रहे हैं संसार को कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं, इसीलिए हमारे अंदर कितना उत्साह होना चाहिए भगवान का भक्त बनने का, हमारी हमेशा रक्षा होगी। भगवान बोलते हैं मैं अपना वचन तोड़ सकता हूं लेकिन भक्तों का नहीं तोड़ सकता, इसलिए अर्जुन को कहे हे अर्जुन तुम जाओ और ऐलान करो, घोषणा कर दो। आज पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी पे है, आज कंपनी पेप्सी बेचने वाला खुद नहीं आता कि पेप्सी पियो, वो स्पोर्ट्स स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार को पैसा देता, बोलता है जाओ। ये सब यहीं से सीखा गीता से। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई तो अर्जुन का नाम गुरु शिष्य परंपरा में क्यों नहीं? क्योंकि ये परंपरा जो हमारी है, ये परंपरा है, भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी लेकिन लिखा किसने उसको? व्यासदेव। तो व्यासदेव आते हैं कि नहीं गुरु परंपरा? अर्जुन को सुनाई, व्यासदेव बाजू में बैठे थे, ये आपको नहीं पता पड़ेगा, व्यासदेव दिखे नहीं आपको महाभारत। आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को जहाँ पे गीता सुनाई थी ज्योतिषार में, वहां पे व्यासदेव का कुटीर है, व्यासदेव को कृष्ण ने बुलाया था, व्यासदेव को सुनो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ लिख लो, तो लिखा व्यासदेव में, तो व्यासदेव का नाम है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलीप रघुवंशी प्रभु जी आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, गुरुजी मेरा प्रश्न ये है सर, आजकल गौ माता इतनी पीड़ित है, अच्छा, दर दर भटक रही है, इतनी पीड़ित है, दर दर भटक रही है, तो उसे किसका फल मिल रहा है, ये मनुष्य के कर्मों का या स्वयं कर्मों का? नहीं, मनुष्य कर्म में ही, मनुष्य को कर्म योनि कहा जाता है, बाकी सारी भोग योनि है, यानी मनुष्य जो कर्म करता है उसको भुगतने के लिए उसको अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं, तो जो भी पशु योनि में भुगत रहा है होके उसने गड़बड़ किया था, लेकिन आज मनुष्य जो गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है, भगवान पकड़ के पिटाई करने वाले हैं। भगवान गोपाल हैं, गोविंद हैं, गाय चराने वाले हैं, और अगर भगवान की गायों को किसी ने हाथ लगाया तो सोचिए उसका क्या होगा। गौएं जो माता, गाय माता जो है वो पिछले जन्मों का अपना भुगत रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें दुख देना चाहिए, किसी को भी नहीं दुख देना चाहिए, नहीं तो हमें फिर लंबे से दुख लेना पड़ेगा, फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, सकर्म और अकर्म में अंतर क्या होता है? किसमें किसमें अंतर? अकर्म और सकर्म। सकर्म, सकर्म तो हमने कुछ बताया नहीं, हमने बताया था कर्म विकर्म और अकर्म। अकर्म जी प्रभु जी, पर सकर्म भी मैंने पढ़ा है कई जगहों पे, तो सकर्म मतलब सकर्म और अकर्म सेम है क्या, कि उसमें अंतर है कोई? सकाम कर्म होते हैं। ओके, सकाम कर्म। सकर एक होता है सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब काम, मतलब इच्छा, आप किसी फल की इच्छा से कर्म कर रहे हो तो उसको सकाम कर्म कहते हैं, बिना फल की इच्छा के कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, उसको निष्काम कर्म कहते हैं।
प्रभु जी दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो अभी आपने चार संप्रदाय बताए अभी, जो उसमें अंतर क्या है प्रभु जी उन चारों संप्रदाय में? भगवान ने चार लोगों को चुना, भाई मैं तुम चारों को ज्ञान दे रहा हूँ, चारों लोग आगे बढ़ाओ, एक व्यक्ति कितना कर पाएगा, तो भगवान ने चार लोगों को चुना, अंतर कुछ नहीं। मतलब उनकी पूजा करने के तरीका या विधि में? हाँ, वो डिटेल और भाव अलग अलग है। जैसे आप श्री वैष्णव संप्रदाय में जानते हो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है, जो हमारा इस्कॉन का संप्रदाय है, भगवान राधा कृष्ण का माधुर्य भक्ति में पूजा करते हैं, है ना, ये अलग अलग फर्क होता है, बाकी नहीं, तत्व तो सेम है, सब कृष्ण को भगवान मानते हैं, तत्व तो को समझते हैं, गुरु परंपरा जानते हैं, गीता को स्वीकार करते हैं, वो सब परफेक्ट है, सिर्फ भाव अलग अलग होता है, जो कि वैरायटी के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हाँ जी, आपने बताया था जैसे कि कर्म वो होते हैं जो शास्त्रों के आधार पर हम तो करते हैं, तो लेकिन अगर हम शास्त्रों के हिसाब से काम करेंगे तो क्या उनके भी फल हमें भुगतने पड़ेंगे? और ये जो जॉब वगैरह है वो कर्म में नहीं आती, तो लेकिन हमें अपना परिवार चलाने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी, तो उसको फिर किस तरह से समझे? देखिए, जो शास्त्र अनुसार करेंगे कर्म, उसका भी तो फल भुगतना ही पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बंधन में तो वो भी डालेगा। बंधन से छुटकारा सिर्फ अकर्म देते, मतलब भक्ति। अब रही बात जॉब, जॉब कर्म है ना अकर्म है, वो विकर्म है, क्योंकि जॉब सब गलत है, सब पापमय जॉब है, लेकिन अभी संसार में फंसे हैं, क्या करेंगे? तो कोशिश कीजिए कम से कम डायरेक्ट, जैसे कोई कसाई का काम ना करे, नॉन वेज बेचने वाला काम ना करे, कोई ऐसी दवाई ना बनाए जिससे अबॉर्शन होता हो, ये सब कम से कम पाप कर्मों से बचते हुए जो जॉब मिल रही है उसको करें, लेकिन भक्ति करेंगे तो बच जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो बंधन फंस जाएंगे। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ आप भक्ति करिए, भक्ति से भगवान बचा लेंगे आपको, फिर आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए जॉब पैसों की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए जो हमको क्या करना चाहिए, भक्ति जरूर करना चाहिए, तो उस बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे कटहल होता है ना, जैकफ्रूट, कटहल, कटहल के फल को जब काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो हाथ में उसके छोटे 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 रेशे घुस जाते हैं, बहुत खुजली होता है, बहुत खुजली होता है, तो क्या करते हैं, सरसों का तेल लगा लेते हैं पूरा अपने हाथ में, फिर काटते हैं, और फिर हाथ साबुन से धो लो तो तेल के साथ वो उसके रेशे भी चले जाते हैं, खुजली नहीं होती आपको। तो इसीलिए भक्ति जो है प्रोटेक्शन करता है आपका, भक्ति आपको लाइसेंस नहीं देता पाप करने का, लेकिन आपका जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस कर रहे हैं, अब पैसा चाहिए, करना पड़ेगा, तो भक्ति करेंगे तो भक्ति आपको प्रोटेक्शन देगा इन चीजों के बंधन से, आप बच जाएंगे। चैट बॉक्स का प्रश्न है, कोई गुरु प्रमाणिक है या नहीं, ये कैसे जानेंगे? कोई गुरु प्रमाणिक है, आप उनकी परंपरा पूछिए ना, ये चार परंपरा में जुड़ते हैं क्या, और वो देखिए वो क्या सिखा रहे हैं आपको, वो जो सिखा रहे हैं वो खुद भी पालन कर रहे हैं कि नहीं। गुरु को पहचानने के भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो आगे चल के पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप देखिए सबसे पहले गुरु का परंपरा चेक कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, हे गुरु महाराज आपके गुरु कौन है, तो कोई होगा, उनके गुरु कौन है, तो कोई होगा, उनके गुरु कौन है, तो ही होगा। ऐसे चलते चलते वो कृष्ण तक पहुंच गया क्या, तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। अब बोलेगा मुझे याद नहीं, हमारी परंपरा कृष्ण से जुड़ती है लेकिन मुझे याद नहीं, नहीं नहीं, कैसे याद नहीं, आप अपने गुरु परंपरा पे तो आपको गर्व होना चाहिए, आप कैसे पता नहीं। तो ये नेक्स्ट, नेहा राजभर माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा यह प्रश्न है आपसे कि आप आज श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करें, कुछ मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, उनके स्वरूप की चर्चा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जो है आगे बताते हैं स्वयं कि उनकी साकार रूप से भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान का स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और 11वें अध्याय में जब भगवान विश्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं विश्वरूप से, भगवान को बोलते हैं कि मुझे चतुर्भुजी रूप दिखाइए, फिर द्विभुजी रूप पे आते हैं। भगवान के भक्तों को कैसा रूप है, भगवान
वेणु बजा रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। भगवान की आंखें जो हैं कमल की पंखड़ियों जैसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की। भगवान के घुंघराले काले बाल हैं और गले में वैजयंती माला, वैजयंती मतलब पांच फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं उसको वैजयंती माला बोलते हैं, वो पहनते हैं। कान में मकर कुंडल पहनते हैं। तो भगवान का बहुत सुंदर रूप है, वर्णन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा आपको बताया। लेकिन भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इसलिए उनका नाम श्याम सुंदर है, गौर सुंदर है। कोई भी संसार में, इस संसार के तो कहीं पे भी लक्ष्मी जी की सुंदरता कृष्ण की सुंदरता के सामने फीकी है, तो फिर और किसी का क्या बात करना। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न है। एक मेरी इच्छा है कि वो जो आपने जो परंपरा दिखाई है तो मैं फिर से देखना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा उसी पे प्रश्न है। जैसा कि अर्जुन ने जैसा बोला है कि जो सूर्यदेव है वो तो बहुत पहले हुए हैं, जैसे कि हम समझो ये जो परंपरा में जो भी है वो तो बहुत बहुत पहले हुए हैं, और प्रभुपाद जी भी अभी मैं उनको जानता नहीं। तो ये ज्ञान परंपरा से आया है, ये कैसे जाने? ओके, तो बहुत ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी तक ज्ञान पहुंचा, प्रभुपाद ने अपना ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया और उनके शिष्यों से हमने लिया, ऐसे ही तो आगे बढ़ रहा है। और प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान अपने पुस्तकों में भी लिख दिया, अपने लेक्चर्स में भी दे दिया, तो प्रभुपाद जी की पुस्तक ही पढ़ रहे हम लोग, तो ज्ञान प्रभुपाद से ही आ रहा है। हमारे गुरु महाराज हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने प्रभुपाद से ज्ञान स्वीकार किया, तो उन्होंने हमको ज्ञान दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर प्रभुपाद जी प्रामाणिक है, वो कैसा समझे? प्रभुपाद जी प्रामाणिक है वो कैसे समझे हैं? तो देखिए, फले न परिचित एक न्याय होता है। शंकराचार्य जी ने एक न्याय बताया, फले न परिचित। जिस पेड़ का फल अच्छा है वो पेड़ अच्छा होगा, नहीं तो फल सड़ा हुआ होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रचार करके दिखाया दुनिया में, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। तो कैसा प्रभुपाद जी अगर शुद्ध नहीं होंगे तो इतना प्रचार कैसे कर पाएंगे कृष्ण? 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं बिना किसी पैसों के, बिना कुछ सपोर्ट के, और जाके पूरी दुनिया हिला देते हैं अगले 10 सालों में। और प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता में हमको समझाया है वो जब हम पढ़ते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्यों से, उनके समझाए हुए जो तरीके हैं भगवद गीता में, उससे हमारा भी शुद्धता हो रही है, हमारा भक्ति आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स प्रभुपाद के अंदर वो शुद्धता है, तभी तो हमको शुद्ध कर पा रहे हैं। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी अभी कैसा है कि मैं प्रभुपाद जी का, ये स्क्रीन बंद कर दो। हाँ नहीं नहीं ये नहीं मुझे देखना था, वो जिनमें हाँ ये देखना था। और अभी कैसा है, मैं बिगिनर हूँ तो मुझे प्रभुपाद जी भी पता नहीं है, तो आपको पता पड़ेगा ना। अभी देखिए शुरू अभी आपको 2-4 क्लास में इस सब की थोड़ी तो पता लगेगा, यशोदा कौन है, कृष्ण कौन है, नंद बाबा कौन है, ये सब पता लगने के लिए थोड़ा समय लगता है। अभी आप ये 18 अध्याय गीता का समझिए और प्रभुपाद जी का गीता पढ़िए, जब ये पढ़ेंगे समझेंगे धीरे धीरे। प्रभु जी जो आज मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, अभी आप 16 घंटे में थोड़ी सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लगे रहिए, आपको कहीं पे भी, इस कौन का एक खास चीज है कि आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि कुछ भी बोल रहे हैं, बिना हाथ पैर की चीजें हम नहीं बोल रहे। आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको आप प्रश्न पूछ रहे हो तो हम समझा पा रहे हैं। बहुत सारे हमने ढोंगी साधु देखे हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, कोई प्रश्न पूछेगा तो तुम प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हो, तुम अपराध कर रहे हो गुरु पे। क्यों अपराध कर रहे हो भाई, प्रश्न पूछ रहे हो। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, हम क्यों नहीं पूछ सकते? तो आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हो, आपने बोला प्रभुपाद प्रामाणिक है कि नहीं है, वो कैसे पता पड़ेगा? तो मैंने उत्तर दिया, मैं भड़कने गया आपके ऊपर, क्रोधित नहीं हुआ। आप कौन होते हो प्रभुपाद पे उंगली उठाने वाले? नहीं, आप पूछ रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो,
आप नहीं बोल रहे कि प्रभुपाद प्रामाणिक नहीं, आप जानना चाहते हो कैसे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो ये प्रश्न उत्तर से पता पड़ता है। तो आप ये इसमें लगे रहिए, जो भी हम समझा रहे हैं आपको कुछ भी ऐसे कुछ बेतुकी बात तो नहीं लग रही है। बेतुकी लग रही है तो पूछ लीजिए, थोड़ा तो हमारा भी बुद्धि यूज करना चाहिए। और फिर आप करते रहिए, हरे कृष्णा जप कीजिए, आप देखेंगे कि आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, अगला प्रश्न है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, नवीन प्रभु आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल जैसे बताया था आपने कि हम लोग भगवान के ही कठपुतली हैं, और भगवान जिस तरह से हम लोग को नचाते हैं नाचते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि भगवान ही के मर्जी से एक भी पत्ता हिलता है, उनके बिना मर्जी से एक भी पत्ता नहीं हिलता है। तो मनुष्य पाप क्यों करता है? क्या ये भी भगवान के मर्जी से होता है? अगर मनुष्य पाप करता है, अगर ये कहा जाए कि नहीं उनका पूर्व जन्म का कमाई है, तो क्या पूर्व जन्म में भी भगवान ही उनसे पाप करा है? ये पाप कैसे कर लेता है मनुष्य, ये थोड़ा समझना था। तो भगवान फ्रीडम देते हैं। देखिए, भगवान अगर एक पिता है, उसके दो बच्चे हैं, दोनों को 100-100 रुपया देता है, और बच्चे बोलते हैं हमारा पॉकेट मनी, ठीक है बेटा तुम खर्चो। भगवान ने संस्कार, पिता ने संस्कार दिया, लेकिन कोई अपने गलत दोस्तों की संग में उस 100 रुपये का जाके नशा कर लेता है, तो फिर पिता क्या करेंगे, तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान हमको फ्रीडम देते हैं, थोड़ी सी छूट देते हैं। अगर छूट नहीं देंगे तो हम पत्थर जैसे हो जाएंगे। सही बात है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम पत्ते नहीं है ना, हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं। तो भगवान हमें थोड़ा छूट देते हैं, जा भाई थोड़ा खेल ले। जैसे गाय को बांध देते हैं 5 मीटर की रस्सी, तो 5 मीटर में घूमो, तो भगवान ने हमको थोड़ा छूट दिया, उसमें हमने पाप किया, तो उस पे हमको भुगतना पड़ता है। भगवान पाप नहीं करवाए हमसे, भगवान ने हमको छूट दिया। अगर छूट नहीं देंगे तो फायदा कैसे, फिर क्या फायदा, फिर तो हम पत्थर ही हो गए। फिर मनुष्य में और पत्थर में क्या फर्क हो गया, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान के पास आए, स्वेच्छा से भगवान से प्रेम करें। जबरदस्ती का प्रेम भगवान नहीं कराना चाहते, स्वेच्छा से कराना चाहते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारने से क्या पाप लगता है? बिल्कुल लगता है, तो कैसे बचे? वो भी आत्मा है, आप कोई भी आत्मा को तकलीफ दोगे, शरीर बैक्टीरिया का भी तो शरीर है, कैसे बचें? देखिए, बचना मुश्किल है, क्योंकि आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पाप हो रहा है। इसलिए हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे तो बच जाएंगे। भगवान समझेंगे कि क्या करेगा, बेचारा ऐसी संसार में है जहाँ पे पाप हो ही रहा है, तो इसलिए भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो पाप आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, अनजाने में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इवन दो आई एम एन एस्पायरिंग कृष्णा डिवोटी, आई कीप अनोइंग एंड इरिटेटिंग माय लव्ड वंस, हाउ डू आई ओवरकम दिस इल ट्रेट ऑफ माइंड? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप चैंटिंग, वन डे यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। You have to practice. What is in our hand is only practice. So keep practicing. Practice, practice, practice till you succeed. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji, dhanyavad pranam. Hare Krishna. Prabhu ji, mera ye question hai. Jab bhi hum bhakti marg pe chalte hain, to Bhagwan hamari pariksha lete hain. Mere sath experience hua hai, jab bhi main Vrindavan jata hu, kabhi kabhi mujhe Lakshmi pa jate hai road se. Ki Bhagwan pariksha lete hain meri. ये अपने लिए खर्च करेगा, दूसरों के लिए खर्च करेगा? ना अपने लिए खर्च करना है ना दूसरों के लिए खर्च करना है, वो जाके आपको सीधा मंदिर की हुंडी में डालना है, मंदिर डोनेशन में, बाकी वो जो भी नहीं तो आपको पाप लगेगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं। 1000 रुपए का नोट मिला, 1000 का तो बंद हो गया। 2000 का नोट मिला, एक आदमी गया इधर देखा उधर देखा, जेब में उठाया चला गया, इसका तो पाप लगेगा, ये भोगी है भोगी। दूसरा व्यक्ति देखा 2000 का नोट है, बोला मेरा नहीं है, मुझे क्या करना है, वो चला गया छोड़ के, ये मूर्ख है, क्योंकि तुम छोड़ के चले गए, दूसरा भोगी आके उठा लेगा। तीसरा जो होता है भक्त होता है, वो भक्त क्या करता है,
देखता है 2,000 रुपए का नोट गिरा है, वो पता करता है किसका है, और सारी संपत्ति कृष्ण की है, तो जाके कृष्ण के मंदिर में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स का प्रश्न है, प्रभु जी मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा कर्म कैसे भगवान के लिए करूं, मैं क्या कर्म करूं? सबसे पहले तो आप चैंटिंग करना चालू कीजिए और भगवत गीता को पढ़िए समझिए, है ना, ये पहले समझिए, फिर आपका कर्म का नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और अपना पढ़ाई अच्छे से करो और फिर जॉब करके भगवान की सेवा करो, अपने एजुकेशन से भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये आपको हम और थोड़ा गाइडेंस देंगे पर्सनली। अभी आप चैंटिंग कीजिए, फिर हम लोग आपको एक अलग ग्रुप में डालेंगे। इसके बाद ये 18 दिन खत्म होने के बाद सबको अलग अलग ग्रुप में हम लेवल 2 में ले जाएंगे, उसमें हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कृष्णा प्रभु जी, मानना और जानने में क्या डिफरेंस है, मानना पहले आता है या फिर जानना? ऐसा कोई पहले नहीं आता है, पहले तो आप जानेंगे फिर मानेंगे, ये तो शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। कोई हो सकता है अपनी अपने मन की मान रहा है, मन से जान रहा है, ढोंगी गुरु से जान रहा है, आप प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक स्रोत से आप जान रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसी में चलिए बस, बाकी सब शब्दों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी भगवान की भक्ति के लिए किसी गुरु को क्या जरूरत है, हम सीधा भगवान से भक्ति नहीं मांग सकते, वो तो सब खुद, भगवान तो खुद बोले तद विधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाओ। आप खुद सोचिए, आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन पहले उनके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना प्रधानमंत्री मेन गेट पे आएंगे, आपको चेक करेंगे कि बंदूक तो लेके नहीं आया, वो सिक्योरिटी का काम है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, तो अलग अलग लेवल पे लोग मिलेंगे, तो गुरु आपको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं कि भैया इतना तो तैयार हो जा कि तेरे को भगवान के सामने खड़ा करो, है ना, तो इसीलिए गुरु के पास जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस को आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मींस सम पीपल से दैट हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी वो लोग राइट होते हैं। अगर कोई बोल रहा है ठीक है, आप म्यूट करिए, आपका क्वेश्चन समझ गया, आपका थोड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है मैंने तो गुरु से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, मेरे को ऐसे ही ज्ञान मिल गया, ठीक है ऐसे ही ज्ञान मिल गया, हिमालय में जाओ हल्ला मत करो, दूसरों को ज्ञान क्यों बांट रहे हो, दूसरों को भी ऐसे ही मिल जाएगा, तुमने क्या ठेका लेके रखा है संसार का? भाई अगर मैं किसी गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरुदेव आपको ज्ञान कैसे मिला, मेरे को तो ऐसे ही मिला, तो मैं भी बोलूंगा टाटा बाय बाय, मेरे को भी ऐसे ही मिलेगा, क्यों आपके पास आऊं? जिसको ज्ञान ऐसे ही मिला वो हिमालय में जाके बैठे, इधर ना बैठे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान नाम के जप में 10 अपराध होते हैं, उसमें जो नवा अपराध होता है वो होता है कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश न करना। तो प्रभु जी जब हम प्रचार के लिए जाते हैं या फिर देखते हैं लोगों को, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं जो अश्रद्धालु होते हैं, तो क्या वो अपराध करते हैं हम लोग, इस बारे में बता दीजिए थोड़ा। में लिखा हुआ है 9वें अपराध में अश्रद्धालुओं को नाम की महिमा बताना। आप नाम की महिमा नहीं बता रहे, आप सिर्फ नाम बता रहे, नाम बताना अलाउड है, नाम की गुह्य महिमा को बताना वो अपराध है, वो तो आपको खुद नहीं पता होगा, तो आप क्या बताएंगे? नाम की गुह्य महिमा को हम नहीं बताते, नाम देते हैं सब, है ना, महिमा मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ होता है? डिपेंड करता है, ऐसा कोई ब्लैंक आंसर नहीं दे सकते। आप अपने पिताजी से झूठ बोलोगे अपना भला करने के लिए, वो थोड़ी चलेगा, है ना, वो क्या सरकमस्टेंसेस है, वैसे प्राय झूठ नहीं बोलना चाहिए,
ऐसा नहीं कि किसी के भले के लिए, नहीं प्रभु जी मैं अपने भले के लिए नहीं करूंगा, अपने दोस्त के पिताजी से झूठ बोलूंगा अपने दोस्त को बचाने के लिए, नहीं तो उसको पिटाई पड़ेगी, तो ये झूठ झूठ ही है, ये सही नहीं है। सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, नहीं तो झूठ का परिणाम बहुत भयावह होगा। नेक्स्ट प्रभु जी, कर्ड में भी बैक्टीरिया होता है तो क्या वो एक खाने से भी पाप लगता है? नहीं, ऐसे तो हर चीज बैक्टीरिया होता है, आपका आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया है, तो कर्ड वेजिटेरियन है उसको नॉन वेजिटेरियन, दही वेजिटेरियन है उसको नॉन वेज में नहीं गिनते। जो चीजें भगवान खाते हैं वो उसको खाने से पाप कैसे लगेगा? भगवान तो दूध दही मक्खन खाते हैं, वो खाने से हमको कैसे पाप लग सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन केशव प्रभु जी, आप मात्र अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि महाभारत बुक में लिखा हुआ है कि 745 श्लोक्स हैं, तो वेदव्यास ने 700 श्लोक्स क्यों लिखे हैं भगवत गीता में? कौन से महाभारत में लिखा है, लेके आइएगा कल हम देखेंगे। जी मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था। हाँ तो विकिपीडिया पे ये भी लिखा रहता है कि कोई भी एडिट कर सकता है, मैं भी एडिट कर सकता हूँ विकिपीडिया पे। गूगल और विकिपीडिया को आप सोर्स कोड कर रहे हो? आवाज आ रही है प्रभु जी? यस। मैं जो है अब जैसे मेरे को तो टाइम भी नहीं पता, लेकिन हाँ 8-10 साल 12 साल जब जितने भी हो गए हैं, पहले मैं परिक्रमा लगाने जाता था, फिर बाद में जो है मैं परिक्रमा छोड़ दी मैंने गोवर्धन की, और यहाँ पे वृंदावन जाने लगा। तो अब वहाँ पे राधे राधे ही मतलब मैक्सिमम बोलते हैं, तो राधे राधे का अभी जो है मैंने कुछ वीडियो भी सुनी थी, शायद आपने भी बोला था कि राधे राधा नाम का बहुत बड़ा महत्व है, उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते, ऐसे ही नहीं कर सकते, तो क्या मैं वो गलत कर रहा हूँ कुछ या कैसे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दीजिए आप, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पूछ पा रहा इसका। आप वृंदावन जाइए, लोग राधे राधे बोले, आप हरे कृष्ण बोलिए, प्रभुपाद जी ने कहा ये सेफ है। तो राधे राधे मतलब ठीक नहीं है क्या, उसे मैं छोड़ दूं फिर आप मतलब उसको? जरूरत नहीं, हरे कृष्ण में हरे मतलब राधे रानी है। अच्छा, हरे राधा रानी का नाम है, आप हरे कृष्ण जब बोल लो तो ऑलरेडी राधा कृष्ण आ गए, फिर अलग से बोलने की आवश्यकता क्या है? ओके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने कल भी अपना क्वेश्चन पूछा था, बट शायद मैं ढंग से पूछ नहीं पाई। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, आई एम स्टूडेंट, और छोटे होते से ही मम्मी हमें महाराज जी थे हमारे, उनसे हम शिक्षा विक्षा लेते थे, मम्मी के साथ जब जाती थी तब तो, बट जब मैं स्कूल में ही थी तभी महाराज जी नहीं रहे। तो मैं जब कॉलेज में आई हूँ तभी मैंने इंडिपेंडेंटली मंदिर जाना, मतलब मम्मी के बिना अपने से, तभी कॉलेज में आने के बाद ही मेरे मन में भाव उठा है। तो अब और ऐसा नहीं है कि अब महाराज जी से मेरा कनेक्शन नहीं है, कुछ मेरे मन में प्रश्न होते हैं तो कई बार महाराज जी सपने में आके आंसर्स मिलते हैं, लेकिन मेरे मन में ये इच्छा जागती है अभी कि मैं इंडिपेंडेंटली किसी गुरु से शिक्षा लूँ। और जैसे आपने बोला कि गुरु आपकी लाइफ में एक ही होता है, तो क्या मेरे मन में ये थॉट आना गलत है? और अगर मैं अब किसी और गुरु से शिक्षा लेना शुरू करूंगी इंडिपेंडेंटली, तो क्या मुझे उस शिक्षा का फल मिलेगा, और इससे क्या मैं अपने महाराज जी का अपमान तो नहीं कर दूंगी? तो देखिए, पहले तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा हम बहुतों से ले सकते हैं। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी से शिक्षा लेना चाहती हैं तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं प्रभुपाद जी का पुस्तकें पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, क्योंकि प्रभुपाद इस भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए कृष्ण, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति पूरा कृपा दिया है प्रभुपाद को। ये भूमि मतलब पूरी पृथ्वी प्रभुपाद को दी है, जाओ प्रचार करो। तो इसलिए प्रभुपाद की वाणी, उनके लेक्चर और उनके पुस्तक बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शिक्षा जो देंगे वो सबसे प्रामाणिक होगी, सबसे परफेक्ट होगी, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं, जो आपको समझ में आएगा।
तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रभुपाद से शिक्षा लीजिए, और भी कोई प्रामाणिक गुरु से आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद से जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो अप्रत्यक्ष पाप करते हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि मानिए कि मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, वो कंपनी का सॉफ्टवेयर कोई कसाई यूज करता है अपने काम के लिए, या वो उसका कहीं और गलत काम होता है, समझ गया, तो अप्रत्यक्ष पाप होता है। समझ गए, समझ होता है, समझ गया प्रश्न। इसलिए तो कहते हैं कि इस संसार में जो भी आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, सब में पाप है। पाप के बिना संसार में कुछ नहीं कोई कर सकता है। अगर आप भक्ति करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो बंधनों में फंसते जाएंगे। पाप तो सबसे हो रहे हैं, इसलिए भक्ति ही हमें बचा सकती है, उसका कोई और उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैटबॉक्स का प्रश्न है जी, कोई अगर टेररिस्ट जिसने बहुत लोगों को मारा है, क्या वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से उसके सारे पाप मिट जाएंगे? सारे पाप मिट जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उसने इतना पाप किया तो ऐसा नहीं एक बार हरे कृष्ण बोला तो हो जाएगा। उसको डेली जप करना पड़ेगा, गीता भागवत समझना पड़ेगा, वैष्णव का सेवा करना पड़ेगा, भगवान को भोग लगा के धीरे धीरे वो भक्ति करेगा तो शुद्ध जरूर हो जाएगा। भक्ति में इतना शक्ति है, लेकिन उसको ज्यादा समय के लिए करना पड़ेगा क्योंकि उसने पाप भी ज्यादा किए। नेक्स्ट। कभी माला जाप नहीं किया है, क्या माला के मोती काउंटेड होने चाहिए? कितने मोती की माला लें? 108 मोतियों की माला होनी चाहिए, वही स्टैंडर्ड है। 108 मंत्र हरे कृष्ण करेंगे तब एक माला होती है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे सब पढ़ने का अभी मेरे पास वक्त कम है, सब शास्त्र पढ़ने का, गीता भागवत वेद संस्कृत सीखने का भी इच्छा है, तो अभी मेरे लिए क्या सोल्यूशन है? आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, और सिर्फ एक ग्रंथ पढ़िए, वो है भगवत गीता। okay. जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे एक चैप्टर में भगवान ने पृथ्वी को दुखालय बोला है, यहाँ खुशी हैप्पीनेस कैसे पाए? फिर दुखालय है तो आप सुखालय क्यों बनाना चाहते हैं? जो दुखालय है वहां दुख ही मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही मार्ग है भक्ति का, क्योंकि उसमें भगवान की सुरक्षा कवच में आप आ जाएंगे तो संसार का दुख का प्रभाव आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा छाता है तो आपके पास पानी नहीं आएगा। तो दुखालय में आपको भगवान की भक्ति का कवच चाहिए, तब आपको दुख से रक्षा हो सकती है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, पहले मैंने पूछा था कि कृष्ण ने सूर्य देव को भगवद गीता बताई थी, तो वो भगवद गीता लिखी थी या नहीं? अगर पहले वाली भगवद गीता लिखी गई है तो कृष्ण को वापस गीता बतानी नहीं पड़ती अर्जुन को? पहले नहीं लिखे जाते थे कोई भी ग्रंथ, पहले बोले जाते थे, पहले गुरु इतने पावरफुल थे, शिष्य पावरफुल थे, गुरु बोलता था शिष्य सुन के पकड़ लेता था। ये व्यासदेव ने लिखना चालू किया देखते हुए कि कलयुग में लोगों की बुद्धि नहीं है, लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे। अभी आप लोग कितना गीता सुने, आधे घंटे बाद भूल जाएंगे, इसीलिए लिखा गया है। व्यासदेव जी को भगवान ने कहा आप लिखना चालू करिए, क्योंकि नहीं होगा कलयुग में लोगों से, इसीलिए लिखना चालू किया। भगवान एक है तो इतने रिलीजन क्यों, कृपया बताएं? भगवान एक है इतने रिलीजन क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति संसार में अलग अलग लेवल पे है, इसलिए भगवान को अलग अलग लेवल के चीजें बनानी पड़ती हैं। जैसे स्कूल एक होता है, लेकिन कोई क्लास वन में होता है, कोई क्लास टू में होता है, कोई क्लास थ्री में होता है, कोई टेन में होता है, कोई नाइन में होता है, कोई एट में होता है। क्यों अलग अलग बनाया गया? क्योंकि अलग अलग लेवल के लोग हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल के लोग हैं दुनिया में जिनकी चेतना अलग अलग है, तो उनको अलग अलग समझ में आता है। कुरान में बोला गया है कि रोज मांस खाओ, बस शुक्रवार को मत खाओ, है ना? लेकिन गीता में बोला गया एक दिन भी मांस नहीं खाओ, तो क्योंकि अर्जुन अलग लेवल पे था। कुरान किन के लिए बोला गया, बाइबल किन के लिए बोला गया?
जो अलग अलग लेवल पे थे, इसलिए अर्जुन शुद्ध भक्त था, तो शुद्ध भक्ति के लेवल के लोगों के लिए भगवद गीता दी गई, सबसे शुद्ध है, सबसे रिफाइंड। तो वही भगवान अलग अलग लेवल के लोगों को बताते, जैसे हमने कहा ना, 2 महीने का बच्चा वो सिर्फ दूध पी सकता है, लेकिन 3 साल का बच्चा है सब्जी चपाती दाल राइस खा सकता है। अब आप 3 साल के बच्चे को सिर्फ दूध पिलाओगे उसको मजा नहीं आएगा, और 2 महीने बच्चे को रोटी सब्जी खिलाओगे उल्टी कर देगा, वो पचा नहीं पाएगा। तो अलग अलग है, तो अलग अलग देना पड़ता है। कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, कोई सकाम कर्मों के लिए तैयार होता है, कोई निष्काम के लिए तैयार होता है, कोई शुद्ध भक्ति के लिए तैयार है, कोई ज्ञान के लिए तैयार है, तो ऐसा अलग अलग इसलिए बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रभु जी जप करने का कितना फायदा होता है, थोड़ा बताइए प्लीज। जप करने का अनंत फायदा होता है, अनंत फायदा है उसका, कोई फायदा का गिनती नहीं कर सकते। वो आप जप करेंगे ना तब पता पड़ेगा आपको। खाना खाने के क्या फायदे हैं, आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले आनंद मिलेगा, पेट भरेगा, शक्ति मिलेगी, तो आप जप कीजिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अनुभव कीजिए, सुन के कुछ नहीं होगा, अनुभव कीजिए उसको। प्रभु जी आपने लास्ट सेशन में बताया था कि जो लोग अभी कोरोना से मर रहे हैं वो अपने पिछले कर्म की वजह से मर रहे हैं, तो ये सिर्फ इंडिया में क्यों हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में कम लोग मर रहे हैं? देखिए, जिसका कर्म आज, जिसका टाइम आ गया है मृत्यु का, वो जाएगा। ये मत सोचिए कि यूरोप में हो रहा है कि इंडिया में हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, भगवान ये भेदभाव नहीं करते। जिसका टाइम आ गया, जैसे जाना है वो जाएगा। क्या यूरोप में मृत्यु नहीं हो रही, कोरोना से नहीं हो रही, दूसरे से नहीं हो रही? कोरोना के अलावा मृत्यु नहीं होता था? होता था, आगे भी होगा, बिल्कुल होगा। भारत के लोग जिनको धर्म का ज्यादा ज्ञान है, जिनको धर्म का पालन करना चाहिए, वो अधर्मी बन गए, तो यहाँ पाप बढ़ गया ज्यादा। भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा गाय भारत में कटती है, तो सबसे ज्यादा पाप यहाँ पे हो रहा है, तो जहां पाप होगा वहां फल मिलेगा। तो ये भी तो देखिए भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कुछ धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसीलिए सब पाप में घिरे पड़े हैं। नेक्स्ट, प्रभु जी मैंने आज से पहले चैंटिंग नहीं की है, तो मैं चैंटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ और इसका सही प्रोसेस क्या है? आप ये जो मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण मंत्र को 108 बार जप कीजिए। इसको बोलते हैं एक माला। 8 मिनट लगेगा, 8-9 मिनट लगेगा। इसको डेली 2 राउंड जप कीजिए, 2 माला जप कीजिए। माला नहीं भी है तो भी 108 बार गिन के जप कीजिए, फिर कहीं से माला आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो 2 माला से चालू कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे माला जप कीजिए, है ना। 2 माला जप कीजिए, 18 अध्याय कंप्लीट होते होते आपका माला भी बढ़ जाएगा और चैंटिंग भी आपको और समझ में आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट, प्रभु जी मुस्लिम्स तो बीफ खाते हैं, तो वो भी सिन हुआ ना? बहुत बड़ा पाप हुआ। हरे कृष्णा।